हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट एक क्लास है। इस क्लास में ये बताया जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड का लिंक आपके बैंक से हुआ है या नहीं, आप इसको कैसे चेक करेंगे। और इसका मैं दो मेथड बताऊंगा। पहले मैं ऑनलाइन मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं ऑफलाइन मेथड बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और इस वीडियो के लास्ट में आपको ऑफलाइन मेथड बताऊंगा। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आधार कार्ड से किस तरह से आधार कार्ड का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल किस तरह से आप चेंज करिएगा, उसका भी एक हम वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा आधार कार्ड का लिंक बैंक से हुआ है या नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा अपरिचित जोन के नाम से जो हमारा चैनल है, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? जिससे आपको पूरा अपडेशन मिलता रहेगा हमारा वीडियो का। और वहीं पे सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का बटन मिलेगा, उस बेल को आप क्लिक करना जरूरी है। अगर क्लिक करते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलेगा। और पास में ही हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, जिसमें एडुकेशनली जो भी बात होगा, टैक्स से रिलेटेड, नॉन टैक्स से रिलेटेड, उससे हम लोग जुड़ सकेंगे। एक ग्रुप है, इस ग्रुप में हम इन्विटेशन दिए हुए हैं। इस इनविटेशन को आप क्लिक करके हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपरिचित जोन के नाम से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट में चले जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देख लीजिए, residence.uidai.gov.in, इसमें आपको जाना है। और इसमें हमको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो देखिए यहाँ से आपको बहुत ऑप्शन मिल रहा है कि आप आधार कार्ड का अपडेट, आधार डाटा, चेक अपडेट स्टेटस, वेरीफाई आधार, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर, चेक आधार एंड बैंक, ठीक है, और अकाउंट लिंकिंग स्टेटस है या नहीं हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसको पर हम लोग क्लिक करते हैं, हमको एक पेज में ले जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपना आधार नंबर लिखिए और यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है। तो चलिए हम लोग आधार नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो आधार नंबर फटाफट हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देना है ये नंबर को। तो यहाँ पे हम ये नंबर भी दे देते हैं। और उसके बाद नीचे में हमको वेरीफाई करना है और देखना है कि हमारा लिंक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये बता दे रहा है कि आपका बैंक अकाउंट का स्टेटस एक्टिव है, बैंक लिंकिंग डेट ये है, और आपका बैंक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो रहा ऑनलाइन। अब चलिए हम लोग अपने मोबाइल में चलते हैं, वहां पे हम लोग ऑफलाइन स्टेटस किस तरह से देखा जाता है वो देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमको बस टाइप करना है ऑफलाइन आधार कार्ड का लिंक हमारे बैंक से हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपको बस टाइप करना है। *99*99# और आपको उसी नंबर से कॉल करना है जो नंबर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जैसे आप कॉल करिएगा आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट योर ऑप्शन, एक है आधार लिंकिंग स्टेटस और एक है प्राइम मिनिस्टर रोजगार जनधन योजना अकाउंट ओवरड्राफ्ट स्टेटस। तो फिलहाल हम आधार कार्ड का लिंक बैंक से है या नहीं वो चेक करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ही वन प्रेस करेंगे और सेंड करेंगे।
तो ये वाला जो है हमको दिखा देगा प्लीज इंटर 12 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो हमारा आधार नंबर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। तो चलिए ये आधार नंबर हमने ये कर दिया और यहाँ पे सेंड पे टैप करते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है ये आधार नंबर कंफर्म है या कुछ चेंजिंग करना है। तो हमारा ये आधार नंबर कंफर्म है। यहाँ पर फिर से वन प्रेस करते हैं कंफर्मेशन के लिए और सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको बता दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमको बता रहा है कि योर आधार नंबर इतना इस लिंक्ड विथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लास्ट अपडेट ऑन 19/12 को ये हमारा आधार अपडेट हुआ है। तो इस तरह से आप मोबाइल से भी ऑफलाइन में अपना आधार कार्ड का लिंक बैंक से है कि नहीं वो भी टेस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था आधार से रिलेटेड कि किस तरह से आप एड्रेस वगैरह या फोन नंबर वगैरह या ईमेल वगैरह आप चेंज करिएगा। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।